फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइंडर कुछ भी। आज हम बात करेंगे वैक्सिंग स्ट्रिप्स की। तो आज मैंने दो वैक्सिंग स्ट्रिप्स चूज करी हैं जिनको मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, तो मैं इसका फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक है वेगा की वैक्सिंग स्ट्रिप्स और एक है नायका की वैक्सिंग स्ट्रिप्स। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रिप्स बहुत इजीली नायका पे अवेलेबल है। मैंने नायका से ही मंगवाई है। ये है वेगा के स्ट्रिप्स और ये है नायका के स्ट्रिप्स। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साइज़ में नायका की बड़ी है और वेगा की छोटी है, ये तो क्लियरली विजिबल है। बाकी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। ये देखिए नायका के स्ट्रिप्स हैं। ये आपको कॉस्ट वाइज सस्ती पड़ती हैं क्योंकि आपको ये 100 रुपये के करीब में 100 स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। डिस्काउंट पर डिपेंड करता है, MRP इसका 170 शो होता है नायका में। अब बात करते हैं वेगा के स्ट्रिप्स की। आप देख सकते हैं वेगा के स्ट्रिप्स बहुत ही स्मॉल हैं साइज़ में, ठीक है। साइज़ में तो वही नायका इसको बीट कर जाती है। और दूसरी कॉस्ट में भी दोस्तों बहुत महंगी पड़ती है। ये पड़ती है आपको 40 पीसेज मिलते हैं सिर्फ 100 रुपये के। तो कॉस्ट वाइज अगर ये महंगी है तो कुछ इसकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ये हमें सर्विस अच्छी देगी तो हम इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। ये आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके बाहर दिखाती हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी, मतलब देखने में ना ये बिल्कुल कॉटन ब्लेंड ज़्यादा लग रहा है मुझे इसके अंदर। और काफ़ी मतलब लाइट सा टेक्सचर है इसका, बहुत लाइट वेट है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, आराम से आप इसे मोड़ सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इजीली टियरेबल है कि आप यूं ही इसे फाड़ दें। आप देख सकते हैं मैं फाड़ने की कोशिश करी थी बट फटा नहीं। ऐसा लोगों ने नायका पे रिव्यूज़ दे रखे हैं बट ऐसा कुछ है नहीं। अब इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, नायका वाले स्ट्रिप्स की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये उससे कंपेरेटिवली थोड़ी सी हार्ड है। जो इसका टेक्सचर है वो कॉटन नहीं है प्रॉपर, ये मिक्स्ड इसका टेक्सचर है। आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा प्लास्टिक काइंड ऑफ टेक्सचर है, आप इसे कह सकते हैं। जब आप वेगा वाली देखेंगे, देख सकते हैं आप वेगा वाली एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कपड़ा टाइप है, एकदम स्ट्रेट नहीं है जो आपका नॉर्मल कागज या कपड़ा होता है उस तरीके से। और इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग है। तो आप देख सकते हैं साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको एक के ऊपर एक रख के दिखा दिया। तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेगा वन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और मैं अगर आपको सर्विस के बारे में बता दूं, तो जब मैंने ये यूज़ करी है तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रिप्स कंज्यूम होती है दोनों के केस में। ऐसा नहीं है कि आपकी नायका की बड़ी हैं तो इसका वजह से वो कम यूज़ होगी और छोटी वाली आपकी ज़्यादा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि मुझे डिफरेंस जो लगा वो लगा मुझे पेन में। आपको पेन वेगा वाली वैक्स में कम फील होगा और जो नायका वाली स्ट्रेप्स है उसमें ज़्यादा फील होगा। शायद वो इसका जो मटेरियल है स्ट्रिप्स का, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। वो हेयर को जिस तरीके से पुल करती हैं तो उसमें आपको डिफरेंस फील होगा। आप इसे अगर एक बार ट्राई करना चाहें, यूज़ करना चाहें, तो आप करके डिफरेंस भी देख सकते हैं उसका। बाकी साइज़ की वजह से मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा कि मतलब अगर मेरी 10 स्ट्रिप्स फुल लेंथ के लिए यूज़ हुई थी वेगा की, तो सेम 10 मेरी यूज़ हुई थी आपकी नायका वाली। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मुझे पेन में डिफरेंस लगा। हाँ, वेगा में एक चीज़ मैंने और फील करी कि इसके अंदर ये काफ़ी थिन है, उसकी वजह से जो इसका वैक्स है वो आपका सेकंड जो साइड होता है ना, इसका दूसरे साइड से थोड़े एक दो बार के यूज़ के बाद बाहर निकलने लग जाता है। तो वो एक इश्यू मुझे वेगा में लगा, लेकिन वैसे ही ये बहुत बढ़िया लगी। मतलब हेयर रिमूवल में और पेन में बहुत अच्छी है और नायका भी अच्छी है, लेकिन उसके आपके थोड़ा सा पेन ज़्यादा आपको फील होएगा। और बाकी सब तो नायका में अच्छा ही है और कोई इशू है नहीं। और कॉस्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो आप देख ही सकते हैं कि नायका की आपको सस्ती पड़ेगी, बहुत 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 सस्ती पड़ेगी। ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस आ जाएगा और वेगा की बहुत महंगी पड़ेगी आपको। बाकी गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो फोल्ड कर रही हूँ तो ये जो वेगा की है ये कपड़े की तरह फोल्ड हो रही है आराम से और ओपन नहीं हो रही है। और जब मैं नायका की फोल्ड करी तो आप देख रहे हैं कैसे एक प्लास्टिक काइंड ऑफ टेक्सचर की तरह वो ओपन हो रही है, बट ये नहीं हो रही। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि हाँ, इसमें मटेरियल के डिफरेंस है इसलिए ये महंगी है। बट हाँ, अगर ये वेगा वाली थोड़ी सी और मोटी कर देते, लंबी कर देते तो सोने पे सुहागा हो जाता, ये तो कमी है इसमें। तो गाइज आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
गाइस, ये था आज का हमारा रिव्यू। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और साइड में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हमारे चैनल पे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, जो अगर हमने इस वीडियो में मिस किया हो, आपको लगता है, आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।